यमुनानगर में प्राइवेट बस कोचिंग सेंटर बन चुकी है। अब आप कहेंगे कि कोचिंग सेंटर एक प्राइवेट बस कैसे बन सकती है, तो हम आपको बताते हैं। तस्वीरों में जो नजारा आपको दिखाई दे रहा है, ये किसी बस स्टैंड का सीन नहीं है। दरअसल एक कोचिंग सेंटर के द्वारा सरकार तक संदेश पहुंचाने के लिए एक अनोखी क्लास प्राइवेट बस में लगाई गई। बस के अंदर जाने से पहले स्टूडेंट के हाथ सैनिटाइज किए गए और उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की गई और फिर बस में पूरी क्लास लगाई गई। कोचिंग सेंटर संचालक संदीप बंसल ने बताया कि पिछले 4 महीने से सभी कोचिंग सेंटर्स बंद पड़े हैं। लॉकडाउन से अनलॉक में हम लोग पहुंच चुके हैं और धीरे धीरे होटल, जिम सब कुछ खोला गया, लेकिन कोचिंग सेंटर्स की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया। हम लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। जैसे कि हम सभी को पता है, अभी जो हमारी हरियाणा सरकार है उसने एक डिसीजन लिया है कि जो रोडवेज की बसेस है उसमें फुल बसेस चलेगी, मतलब 52 उसमें सीट्स होती है, 52 पैसेंजर्स उसमें सफ़र कर सकते हैं। तो सरकार का मानना ये है कि जो बसेस में 52 पैसेंजर बैठेंगे उससे कोरोना नहीं होगा उनको। तो हम भी सरकार को ये जानना चाहते हैं कि सरकार क्या हमें भी यही कहना चाहती है कि आप अपनी कोचिंग क्लासेस बसेस में लगा लें, क्योंकि बसेस में कोरोना नहीं होता। और क्या बसेस में सोशल डिस्टेंसिस का ध्यान रखा जाएगा? क्या सैनिटाइज प्रॉपर हो पाएगा? अगर वहाँ एक 10x20 की बस में 52 पैसेंजर्स बैठ सकते हैं, तो हमारी कोचिंग सेंटर में जो 15x20 के क्लासेस रूम होते हैं और उसमें 15 से 20 बच्चों का एक बैच होता है, तो वहाँ क्यों नहीं बैठ सकते? अगर वो बसेस में सैनिटाइज यूज़ कर सकते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग रख सकते हैं, तो हम तो बहुत अच्छे से रख सकते हैं। तो मैं तो यही अपील करता हूँ सरकार से दोबारा से कि जिस तरह से उन्होंने सभी डिपार्टमेंट खोल दिए हैं, सभी फील्ड्स को परमिशन दे दिया, तो हमारे कोचिंग सेंटर्स को भी वो जल्दी से जल्दी खोलें ताकि हम भी अपना रोज़गार चला सकें और अपने परिवार का पोषण कर सकें, क्योंकि हम भी मार्च से ही बंद पड़े हैं और हमारे पास और कोई साधन भी नहीं है कमाई का। हम तो यही चाहते हैं कि वो कोचिंग सेंटर खोले। अगर उनको कोई अब भी लग रहा है कि कोचिंग सेंटर में हम प्रॉपर नहीं रख पाएंगे, तो हमें राहत पैकेज दें। वही बस में कोचिंग क्लास में आए स्टूडेंट्स ने बताया कि ऑनलाइन क्लास लगाने में काफी दिक्कतें आ रही हैं और कोचिंग सेंटर जो कि हमारी पढ़ाई में मददगार है, पिछले 4 महीनों से बंद पड़े हैं। सरकार ने जब जिम, होटल, लगभग सभी चीजें खोल दी हैं, तो उन्हें कोचिंग सेंटर्स की ओर भी ध्यान देना चाहिए और उन्हें भी खोल देना चाहिए। बस में क्लासेस लगी, सबसे पहली बात तो ये बहुत अच्छा लगा कि इतने दिनों के बाद हम अपने टीचर्स से मिले, उनसे हमने इंटरेक्ट करा इतने अच्छे से, क्योंकि जब हम ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ते थे सबसे पहली दिक्कत तो वहाँ पर नेटवर्क इशू रहता था कि कभी क्लासेस अटक रही हैं, कभी उनके पिक्चर क्लियर नहीं आ रही है, कभी उनकी वॉइस नहीं हमें सुन रही है, और अगर सुनता भी था तो इतने अच्छे से समझ नहीं आता था। और हमारे इसकी वजह से हमारी एजुकेशन बहुत सफ़र कर रही है। मैं एक प्लस टू की स्टूडेंट हूँ और अब मुझे अभी अपने बोर्ड्स देने हैं मार्च में, जिसकी वजह से मैं अपनी तैयारी अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ। मेरा तो मानना यही है कि जैसे कि हमारे कोचिंग सेंटर्स पिछले 4 महीने से बंद पड़े हैं, तो इस वजह से हमारी पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें और परेशानी हो रही थी। और अब जैसे सरकार ने धीरे धीरे सब कुछ खोल ही दिया, जिम वगैरह जहाँ पे सभी लोग सारे मशीनों को हाथ लगाते हैं, तो उससे कोरोना नहीं फैल रहा। तो हम तो फिर भी क्लास में 10 या 15 बच्चों का ही समूह होता है, तो हमारे में कोरोना कैसे फैलेगा? और हम तो बड़े हो गए, हम तो अपनी सेफ्टी खुद भी रख सकते हैं। तो और जैसे सरकार ने कह दिया कि 52 पैसेंजर वाली बस में भी कोरोना नहीं है, तो हमारी क्लासेस तो फिर भी 10 या 15 बच्चों की होती है, तो उसमें कोरोना कैसे फैल सकता? अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन कोचिंग सेंटर्स की ओर कब तक ध्यान दे पाती है। यमुनानगर से कुलदीप सैनी की रिपोर्ट।